नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर अल्हाबादिया के साथ हाल ही में एक बेहद अजीब और चिंताजनक घटना घटित हुई है। उनके 3 प्रमुख यूट्यूब चैनल हैक कर लिए गए हैं, जिसके बाद हैकर्स ने उनके चैनल का नाम बदलकर टेस्ला रख दिया। ये टेस्ला आप जानते हैं इलॉन मस्क की कंपनी है। ये घटना हर ओर चर्चा का विषय बन गई है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी और रणवीर अल्हाबादिया के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। मशहूर यूट्यूबर और प्रभावशाली सोशल मीडिया हस्ती रणवीर अल्हाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से भी जाने जाते हैं, एक बड़े साइबर हमले के शिकार हो गए हैं। हैकर्स ने उनके 3 यूट्यूब चैनलों को निशाना बनाते हुए उन्हें हैक कर लिया है और चैनल का नाम बदलकर टेस्ला कर दिया है। ये घटना 25 सितंबर की है, जिसने उनके लाखों फॉलोवर्स को हैरान कर दिया है। हैकर्स ने चैनलों से सारे वीडियो हटाए और चैनल के नाम में बदलाव कर दिया। इतना ही नहीं, हैकर्स ने एक फर्जी लाइव स्ट्रीम का आयोजन किया, जिसमें एलन मस्क का AI जनरेटेड अवतार दिखाया। इस लाइव स्ट्रीम में दर्शकों से कहा गया कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हैं तो उन्हें डबल रिटर्न मिलेगा। दर्शकों से QR कोड स्कैन कर संदिग्ध वेबसाइट elonweb.net पर बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का आग्रह किया गया। इस मामले के साइबर हमले को बिटकॉइन डबलिंग घोटाले के रूप में जाना जाता है, जो हाई प्रोफाइल यूट्यूबर्स को निशाना बनाने की एक आम रणनीति है। दर्शकों, अब हम लोग रणवीर अल्हाबादिया के जीवन के बारे में जानते हैं। रणवीर अल्हाबादिया भारत के एक मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनका असली नाम रणवीर अरोड़ा अल्हाबादिया है और उनका जन्म 2 जून 1993 को मुंबई में हुआ है। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन उन्हें अपने करियर की दिशा में सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में मिल गई। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बियर बाइसेप से शुरुआत की, जो अब लाखों सब्सक्राइबर के साथ भारत का एक प्रमुख फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल बन चुका था। इसके अलावा वे पॉडकास्ट भी चलाते थे, जिसमें वे देश विदेश के मशहूर हस्तियों से सवाल जवाब करते हैं। अगर निजी जीवन की बात करें तो रणवीर अल्हाबादिया का निजी जीवन भी काफ़ी चर्चित रहा है। उनकी बहन आकांक्षा अल्हाबादिया एक डॉक्टर हैं और उनके माता पिता गौतम अल्हाबादिया और स्वाति अल्हाबादिया भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगर बात करें लव स्टोरी की, तो रणवीर का अफेयर डॉक्टर वैश्वी ठक्कर के साथ रहा, लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका है और वर्तमान में किसे डेट कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। वहीं रणवीर अल्हाबादिया की संपत्ति की बात करें तो उसका आकलन लगभग 60 करोड़ रुपए के करीब है, जिसमें वे भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर में से एक माने जाते हैं। उनके पास 7 से अधिक यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें बियर बाइसेप्स और द रणवीर शो प्रमुख है। दर्शकों, इस साइबर हमले के बाद रणवीर अल्हाबादिया के फैंस और यूट्यूब कम्युनिटी में बड़ा हड़कंप मच गया है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि हाई प्रोफाइल यूट्यूबर्स को हमेशा अपने चैनलों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। ये घटना साइबर सुरक्षा की एक बड़ी चेतावनी भी है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि डिजिटल दुनिया में कभी भी और किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। यूट्यूबर्स को मजबूत पासवर्ड, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करना चाहिए, ताकि वे इस तरह की घटनाओं से बच सके। रणवीर अल्हाबादिया के YouTube चैनल को लेकर इस हैकिंग की घटना एक बड़ी सीख देती है कि डिजिटल सुरक्षा को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि रणवीर जल्द ही अपने चैनल को रिकवर कर लेंगे और अपने फैंस के लिए फिर से बेहतरीन कंटेंट लेकर आएंगे। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए नमस्कार।